अपनी जुबान को लेकर हमेशा से विवादों में रहने वाले उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में भाजपा के विधायक बंसीधर भगत ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। बंसीधर भगत ने हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम के मौके पर हिंदू देवी देवताओं पर विवादित बोल बोले हैं। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने पहले तो महिलाओं के सम्मान की बात की, लेकिन ऐसा बोलते बोलते वो अपनी भाषा पर कम नियंत्रण खो बैठे, पता ही नहीं चला। उन्होंने माता सरस्वती, माँ दुर्गा और माता लक्ष्मी के बारे में बेहद विवादित बयान दे डाला। साथ ही बंसीधर भगत की जुबान यहीं नहीं रुकी, उन्होंने भगवान विष्णु और शंकर जी को लेकर भी विवादित बात बोली। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री ने। आज बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम बना रहे हैं। वैसे तो एक बात मैं बताऊं, अभी डॉक्टर साहब जी ने बहुत विस्तार से कहा और उन्होंने ये भी कहा बाद में कि लड़कों के लिए बाद में बताएंगे। अब लड़कों के लिए तो रोजी साहब ने बाद में बताया, देवता ने तक वैसे किया, भगवान ने तक आपका पक्ष दिया है। विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो, शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ। यानी दोनों को, महिलाओं को विद्या भी उनसे मांगो, बल भी उनसे मांगो और धन मांगो तो लक्ष्मी को पटाओ। आदमी के पास है क्या? एक शिव जी है, वो पहाड़ में पड़े हुए हैं, लड़के कपड़े कुछ है नहीं, ऊपर से सिर में सांप रखा हुआ है, गंगा जी और बरसा से ठंडे में ढूंढ रहे, और एक विष्णु भगवान है समुद्र की गहराई में छिपे हुए, दोनों की आपस में चारों की बात भी नहीं होती। तो महिला शक्ति के कारण तो पर्वत पहाड़ पूर्व से ही भगवान ने कर दिया। और आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैं अपने सभी बच्चियों का भविष्य उज्ज्वल हो ये कामना करते हुए, विभाग से बहुत कुछ हो रहा है, जब से रेखा जी मंत्री बनी है मैं रोज देखता हूं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने काम किया है। बंसीधर भगत का बयान सुनकर कार्यक्रम में मौजूद महिलाएं और लड़कियां हक्का बक्का रह गई, तो वहीं कुछ लोग ठहाके भी लगाते पाए गए। बयान वायरल होने के बाद बंसीधर भगत के इस विवादित बयान से महिलाओं और हिंदू समाज से जुड़े लोगों में काफ़ी रोष देखा जा रहा है। बता दें ये पहला मौका नहीं है जब बंसीधर भगत ने विवादित बयान दिया हो। वो हमेशा से अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। पहले भी वो कई ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं जिससे उनकी और उनकी पार्टी की किरकिरी हुई है। ऐसे में बंसीधर भगत का ये विवादित बयान फिर से एक बार सोशल मीडिया में सुर्खियों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।